नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। कटिहार में पीएफआई की तरफ से लगाए गए बाबरी मस्जिद से जुड़े विवादित पोस्टर से उठा बवाल। बिहार के कटिहार जिले के कलेक्ट्रेट के गेट समेत अन्य जगहों पर बाबरी मस्जिद से जुड़े कुछ विवादास्पद पोस्टर देखे गए। पॉपुलर फ्रंट के नाम से लगाए गए इस पोस्टर में लिखा है कि एक दिन बाबरी का उदय होगा, 6 दिसंबर 1992, कहीं हम भूल ना जाए। पॉपुलर फ्रंट नामक संस्थान के नाम से पोस्टर में दिल्ली का पता दिया हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पोस्टर देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। इस संबंध में एसपी विकास कुमार ने कहा है कि पोस्टर चिपकाने से संबंधित सूचना मिली है, हालांकि अभी मामले की जांच की जा रही है। मामला विवादास्पद प्रतीत होने पर संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 9 दिसंबर के बाद बिहार में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में 9 दिसंबर के बाद से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पर्वतीय इलाके में पश्चिमी विभोक्ष की वजह से बर्फबारी और बारिश की स्थिति बनी है। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विभोक्ष का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। 9 दिसंबर से सूबे के अधिकतर शहरों का तापमान नीचे आएगा। बर्फीली हवाओं के प्रवाह की वजह से कनकनी बढ़ेगी और न्यूनतम पारा रात में सताएगा। कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति भी बन सकती है। फिलहाल सूबे में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान चढ़ा हुआ है। स्थिति में निजात मिलने और पश्चिमी विभोक्ष का प्रभाव पसरने के बाद सूबे में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजबूती से काम करने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जदयू के प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कर्पूरी सभाघर में उनसे मुलाकात कर रहे एक एक नेता कार्यकर्ता से कुशल क्षेम भी पूछा। वैसे लोग भी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहले से ही समय मांगा था। इसके अलावा बड़ी संख्या में पार्टी परिसर में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाकर मुलाकात की और हर एक से भेंट भी किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं का मनोबल बढ़ाया, चुनाव के परिणाम को लेकर हताश नहीं होने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हार जीत तो लगा ही रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मनोबल छोटा नहीं होना चाहिए। धुंध बढ़ने से एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही हुई प्रभावित। मौसम का असर अब विमानों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। धुंध बढ़ने की वजह से दृश्यता की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। बीते दिन सुबह से ही लगातार अधिकतर भाग में विजिबिलिटी का स्तर काफी नीचे देखा गया। लगातार दूसरे दिन पटना एयरपोर्ट के विमानों की आवाजाही भावित हुई। धुंध की बढ़ोतरी के कारण पटना में विजिबिलिटी 400 मीटर के इस सीजन के सबसे न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई। सुबह से ही दृश्यता 800 मीटर के आसपास थी। वहीं 10 बजे के बाद धूप निकलने पर विजिबिलिटी बेहतर हुई। इसके बाद विमानों के उतरने की राह सुनिश्चित की गई। यही कारण है कि पटना के एक दर्जन विमान देर से उड़े और उतारे गए। लेट लतीफ विमानों में अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के विमान का नाम शामिल है। लोजपा संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की अस्थियों को किया गया विसर्जित। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की अस्थियां शनिवार को संगम में विसर्जित की गई। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर पिता रामविलास पासवान की अस्थियों को संगम में जाकर पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया। आपको बता दें, रामविलास पासवान ने दुनिया को 8 अक्टूबर को अलविदा कह दिया था। वहीं इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान की अस्थियां गांव और बिहार की तमाम नदियों में प्रवाहित हो गई हैं। वहीं एक जनप्रिय नेता थे, जिस कारण परिवार की इच्छा थी कि उनकी अस्थियां प्रयागराज में संगम में भी प्रवाहित की जाए। इसके साथ ही अपने तीनों भाइयों और पूरे परिवार के साथ संगम तट पहुंचे और अस्थियां उन्होंने प्रवाहित की। तेज प्रताप यादव का नया अवतार दिखा इंस्टाग्राम पर। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब अक्सर अपने नए अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। वहीं अब तेज प्रताप यादव का एक और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर शिव भक्त रूप में योग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह सफेद कमीज और जीन्स के साथ गले में काला गमछा धारण किए नजर आ रहे हैं और वो ध्यान में मग्न है। उन्होंने अपने इस इंस्टा वीडियो के साथ लिखा है, ध्यान की बहुत जरूरत है, अभ्यास से पहले शांत वातावरण की तलाश करें। याद रहे, इस दौरान आरामदायक पहने चटाई पर योग करना जमीन पर बैठकर योग करने से बेहतर है। तेजस्वी यादव पर मामला हुआ दर्ज। तेजस्वी यादव पर हाल ही में पटना में मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन किसान की तरफ से किए जा रहे विरोध के समर्थन में गांधी मैदान में उतरे तेजस्वी यादव के नाम पर FIR दर्ज किया गया है। वहीं कृषि कानून के खिलाफ और दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में बिहार में सियासत भी गर्म हो गई है। प्रतिबंधित एरिया में प्रशासन से बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने के आरोप में ही गांधी मैदान थाने की पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह, वृषण पटेल, बली यादव समेत 20 नामजद करीब 450 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बात की जानकारी सामने आने के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर मामला दर्ज किया है। बिहार के 1 लाख वेंडरों को मार्च तक मिलेगा विक्रय प्रमाण पत्र। बिहार के नगर निकायों में सर्वेक्षित स्ट्रीट वेंडरों को स्मार्ट आई कार्ड के
साथ अब विक्रय प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अब तक 34,561 वेंडरों को प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। ऐसे वेंडर अब नगर निकाय में अधिकृत होंगे। अतिक्रमण हटाने के दौरान उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेने से लेकर बैंकों में लोन तक विक्रय प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकेगा। अगले साल मार्च तक 1,00,000 वेंडरों को विक्रय प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। गौर करने की बात यह है कि नगर विकास और आवास विभाग के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के तहत वेंडरों के सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। अब तक 1,04,326 वेंडरों का सर्वेक्षण पूरा हुआ है। इनमें से 46,411 वेंडरों को QR कोड वाला आई कार्ड भी दिया जा चुका है। पटना IIT के छात्र को मिला 47,00,000 का पैकेज। DE Shaw इंडिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 47,00,000 रुपए का सालाना पैकेज दिया है। 2021 में पासिंग बैच के लिए IIT पटना में चल रहे प्लेसमेंट सीजन के लिए यह अब तक का सबसे अधिक घरेलू ऑफर है। इसके अलावा IIT पटना से 6 छात्रों को लाखों का पैकेज मिला है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में अमेजोन से 31.97 लाख, माइक्रोसॉफ्ट से 43.50 लाख रुपए का पैकेज एक BTEC छात्र को ऑफर किया गया है। इसके साथ ही 4 छात्रों को कोऑर्डिनेशन इनोवेशन लाइफ द्वारा 23.501 लाख का पैकेज भी ऑफर किया गया है और 3 छात्रों को गेम्स क्राफ्ट द्वारा 32,00,000 का पैकेज ऑफर किया गया है। 6 छात्रों को इंटर्नशिप की पेशकश मिली है और 1 छात्र ने पूर्णकालिक रूप से गूगल इंडिया से प्रस्ताव किया है। नए साल में टोल प्लाजा पर होगी नई व्यवस्था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई व्यवस्था के तहत बिहार सहित देश के सभी टोल प्लाजा पर 1 जनवरी 2021 से कैशलेस की सुविधा दी जाएगी। पिछले साल दिसंबर में छूट के साथ सरकार ने सभी गाड़ियों पर फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया था। इतना ही नहीं, फास्ट टैग नहीं लगाने वाले उस सभी लोगों से जुर्माने के रूप में टोल पर 2 गुना पैसा वसूलने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें राहत देते हुए अब टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से एक स्पेशल हाइब्रिड बनाया जाएगा। इसमें प्रीपेड टच एंड गो कार्ड की व्यवस्था रहेगी। इससे होकर वैसे लोग जा सकेंगे जिनके पास फास्ट टैग तो है लेकिन उसे रिचार्ज नहीं किया है, उसमें बैलेंस कम है, या फास्ट टैग ब्लैकलिस्टेड है, या फिर स्कैन में दिक्कत है। ऐसे लोग इस हाइब्रिड लेने का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार में 11 दिसंबर को डॉक्टर्स की होगी हड़ताल। केंद्र सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति देने से देश भर के डॉक्टर गुस्से में हैं। इसको लेकर ही अब सभी डॉक्टर सड़कों पर उतरने वाले हैं। केंद्रीय IMA की अपील पर राज्य भर के डॉक्टर 11 दिसंबर से 12 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। वहीं 2 दिसंबर को 2 घंटे विरोध करेंगे। यह जानकारी IMA बिहार में बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में IMA भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी सर्जरी करने की अनुमति दे दी है, जो गलत है। सरकार अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो IMA बिहार अपने सहयोगी MSN JDN के साथ मिलकर राज्यव्यापी आंदोलन करने को बाध्य है। आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली की गैर मौजूदगी में इस बल्लेबाज को मौका देने की कही बात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज की शुरुआत 17 दिसंबर से होने वाली है। टीम इंडिया के नियमित टेस्ट कप्तान विराट कोहली एडलेड में होने वाले डे एंड नाइट टेस्ट मैच के बाद पेटर्निटी लीव के लिए भारत वापस लौट जाएंगे। हालांकि कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे बाकी 3 टेस्ट मैच में टीम की अगुवाई करेंगे। कोहली के जाने के बाद भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर भी काफी कमजोर होगा। कप्तान कोहली के जाने पर उनके स्थान पर किसे मौका मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने शुभमन गिल का नाम दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि KL राहुल पहले टेस्ट मैच में पृथ्वी शॉ की जगह ओपनिंग भी कर सकते हैं। कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद चले जाएंगे तो उनकी जगह पर शुभमन गिल KL राहुल से आगे उन्हें मौका मिलना चाहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अंजलि भाभी का ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अंजलि भाभी की फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सुनैना रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस और बोल्ड है, जिन्होंने चेक शर्ट और येलो स्कर्ट पहन रखी है। सुनैना काफी ग्लैमरस लग रही है। इस फोटो को शेयर करते हुए सुनैना ने लिखा है, उसे क्या कहकर बुलाते हैं, उसने कहा सनशाइन। शो में अंजलि भाभी का किरदार निभाने पर सुनैना ने कहा था कि मेरा मानना है कि ऑडियंस का पूरा अधिकार है कि वो हमें अच्छा या फिर बुरा फीडबैक दे। हमें जो भी फेम मिलता है वो उनकी वजह से ही है। मैं कहती हूँ कि अगर हमें उनसे अपनी प्रशंसा सुनने को है तो हमें नेगेटिव फीडबैक के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं जानती हूं कि मेरी तुलना की जाएगी क्योंकि यह एक पॉपुलर शो और लोगों ने हमेशा किरदारों को सराहा है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सैयद अब्दुस समद की। सैयद अब्दुस समद बंगाल के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्हें फुटबॉल जादूगर के नाम से भी बुलाया जाता है। उन्होंने 1924 में भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए खेला और 1926 में इसकी कप्तानी की। उन्होंने आगे के रूप में खेल समद का फुटबॉल करियर 1915 से 38 तक रहा। बांग्लादेश सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट श्रृंखला भी शुरू की थी। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 36,011 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 96,44,212 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 400
82 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,40,182 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 91,792 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 4,03,248 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना की जाँच सही ढंग से हो रही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।